साइन करना है। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी कि यहाँ पर हमें 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम दिया हुआ है और इसका डेटा हमें नीचे गिवन है, तो कहा गया है कि हमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपना मॉडल क्लास को फाइंड करते हैं। मॉडल क्लास क्या होती है? हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 61 की। तो यहाँ पर इसकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी हमारी? 60 से 68। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 से 80। तो मॉड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के अंदर एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस f2 इनटू के अंदर h। अब बात करते हैं कि l क्या होता है। l होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के अंदर इधर की साइड वाला नंबर क्या होता है? क्लास इंटरवल्स के अंदर अपर क्लास लिमिट और इधर की साइड वाला नंबर लोअर क्लास लिमिट। तो l है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि l की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हमारी? 60। तो यहाँ पर लिख देंगे l इज इक्वल्स के अंदर 60। अब बात करते हैं कि f1 क्या होता है हमारा। तो f1 होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी यहाँ पर हमारी? 61। तो F1 हो जाएगा हमारा 61। अब ऐसे ही बात करते हैं F0 की। तो F0 होता है हमारा जो हमारी F1 होती है उससे पहले वाली टर्म, यानी कि 61 से पहले क्या है हमारा? 52। तो ये हो गया F0। अब ऐसे ही बात करते हैं F2 की। F2 होती है हमारी F1 के बाद वाली टर्म, यानी कि 61 के बाद क्या लिखा है? 32। तो F2 हो गया हमारा 32। तो वैल्यू उसको अब यहाँ पर हमारा H भी है, तो H क्या होगा? क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। तो H यहाँ पर होगा हमारा 0 से 20, 20 से 40, यानी कि 20-20 का डिफरेंस है। अब अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L क्या है यहाँ पर हमारा? 60 प्लस F1 है 61, F0 है हमारा 52, इनटू के अंदर H क्या है हमारा? 20 डिवाइडेड बाय 2, F1 क्या है यहाँ पर हमारा? इनटू के अंदर 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 है हमारे पास 38। तो अब हम इसे अपना सॉल्व करेंगे। तो 60 प्लस 61 में से 50 गए तो आया हमारे पास 9। अब ऐसे ही 2 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 122। अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 52 और 38 प्लस होकर होंगे हमारे 90 और इनटू के अंदर आया 20। तो ये होगा हमारा 60 प्लस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 122 में से अगर हमारे 90 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 32 इनटू के अंदर 20। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे 5 के टेबल से। 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 10 से 20, 2 1 से 2 और 2 6 से 12। अब ऐसे ही 2 5 से 10 और 2 8 से 16। तो ये होगा हमारा 60 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो ये होगा हमारा 60 प्लस 8 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.625। जब भी हम कभी डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स ही निकालेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 65.625, यानी कि हमने अपना मॉड फाइंड कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।